वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। कारण ये था कि कभी कुछ क्वारंटाइन, कभी कुछ, कभी मन नहीं करता, ऐसा कुछ था ना, ढील ढोल चलता रहता है। एनीवेज, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर जर्नी ऑन द सम बेसिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइडलाइंस। यहाँ पे हम हेल्थ की बातें भी करेंगे, अपने माइंड की बातें भी करेंगे, कॉन्फिडेंस की बात भी करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट नाउ आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच ऑल्सो। दोस्तों, पिछले एक साल काफ़ी अच्छा रहा एक्चुअली में। एक साल पहले मैंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर रीडिंग्स के बेस के ऊपर एक मार्केट के अंदर अपनी एक बुक पब्लिश करी। बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इफेक्ट ऑन ऑल द थिंग्स दैट कुड नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि वो अमेज़ॉन वगैरह सब चीज़ें जितने भी हमारे ऑनलाइन जो आपके बाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब बंद हो गए। एनीवेज, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी वही बुक। लेकिन बिफोर दैट एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कोई ऐसी बुक उठा के पढ़ी हो जो आपने शुरू से लेके एंड तक, मतलब यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट पेज एंड टिल एंड लास्ट पेज यू हैव कंप्लीटेड दैट बुक। यकीन मानिए, वेरी वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग दिस, दैट दे टेक अप दिस बुक फ्रॉम द फर्स्ट पेज टिल लास्ट पेज और वो पूरी बुक को कंप्लीट करते हैं। बुक्स को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बुक्स बहुत सारी होती हैं, देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ बुक्स। लेकिन मैंने जो बुक अभी आपके लिए मार्केट में पब्लिश कराई है, दैट इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, सेल्फ कॉन्फिडेंस बुक। मैं अपने आप को, खुद को, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, ये बुक मार्केट में मैंने लॉन्च करी है। वाई द पर्पज इज, द पर्पज इज ओनली सिंपल, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, गलत सीखा, उसको सही किया, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गलत सिखाया, फिर सही किया, फिर उनको आज की डेट में सही सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है। आज 20 से 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए कॉलेजेस के अंदर। एंड ओनली थिंग विच आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो भी, फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी, अगर आपकी फ्रेश जॉब स्टार्ट हो गई है तो भी, कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे, उन पे कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा। टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, व्हाट आई हैव डन इज, आई हैव लॉन्च माई फर्स्ट बुक, दैट इज कॉल्ड टेक अ स्टेप अहेड, टेक अ स्टेप अहेड। अब ये बुक की खासियत ये है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बुक के अंदर, जो मैंने, जो ये नहीं कह रहा कि मैंने बुक के कंटेंट कैसे लिखे होंगे, वो तो आप मुझे बताएंगे, कभी आप इसको लेते हैं, पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं तो आपके ऊपर होगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज, ये सिर्फ और सिर्फ 50 पेज की बुक है। इट इज़ नॉट लाइक 250 पेज, 300 पेज, 400 पेज की आज हमने पहले चैप्टर किया उसके, चलो कभी फिर पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न आई आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट वाज द, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू कंप्लीटेड अ बुक फ्रॉम फर्स्ट पेज टिल लास्ट पेज। सो इन दिस बुक सो फार, जितने भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने बुक पढ़ी है अब तक, क्योंकि जब ये 2019 में 28 अगस्त 2019 दैट वाज हैपनिंग टू माय बर्थडे, तो उस मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बुक लॉन्च हुई, और उसके 2 महीने के बाद ही कोरोना के इफेक्ट से सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ बंद हो गया। तो एनीवेज, इट कुड नॉट बी डन। लेकिन जितने बच्चों ने आज तक ये पढ़ी है किताब, जितने लोगों ने पढ़ी है, उन्होंने रिव्यू दिया, उन्होंने बेस्ट पार्ट ये जो लिख के दिया मुझे, वो बेस्ट पार्ट ये था कि सर 50 पेज बहुत जल्दी हम पढ़ पा रहे हैं, आपने 50 पेज कब ख़त्म होते हैं पता नहीं चलता। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि 50 पेज जल्दी से पढ़ डालो, एक चैप्टर पढ़ो, उसको समझो, उसको अपनी लाइफ में उतारो, फिर दूसरे चैप्टर पढ़ो, उतारो, 3 से 4 पेज के चैप्टर्स हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ इन दिस बुक व्हाट आई हैव ट्राइड टू कवर इज, आई हैव ट्राइड टू कवर 10 डिफरेंट पार्ट्स विच आर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरी लाइफ का पार्ट भी है, क्योंकि मैंने जो सीखा है तो डेफिनेटली मैंने उसके अंदर लिखा वही है जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ इन चैप्टर्स के, क्या क्या नाम है। ये सबसे पहली बात है, दुनिया में बच्चों को तकलीफ होती है हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरा इंटरेस्ट किस एरिया में है, मुझे करना क्या है। जैसे मुझे बहुत साल पहले पता नहीं था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पैशन है मेरा, मुझे पढ़ाने का मन करता है। लेकिन कैसे पता चला, या आप मानेंगे इस बुक में मैंने लिखा हुआ है कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे टीचर बनना चाहिए। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट एरियाज। देर आर सो मैनी इम्प्रूवमेंट एरियाज विच एवरीबडी हैज़ इन देयर लाइफ, टिल डेट आई ऑल्सो हैव। मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होनी बाकी है लगातार, इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्लेटफॉर्म।
नंबर थर्ड टाइम मैनेजमेंट, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी, एंड रियली हैप्पी आज वो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं उस टाइम टेबल के ऊपर। इट इज़ अ काइंड ऑफ द सेम वीडियो जो मैंने इस बुक से ही बनाई है, वो वाली वीडियो। तो इसमें आपको क्लैरिटी आती है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। समथिंग अबाउट एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, वाई वी हैव टू पार्टिसिपेट। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, अपने कॉलेज वगैरह फंक्शंस वगैरह में कहीं पे भी, वाई यू शुड पार्टिसिपेट। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सी अराउंड यू, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी पीपल, कलीग, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं इवेंट्स के अंदर, एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग देम टू ग्रो फास्टर। ये दिस इज गोइंग टू बी मैंशन इन 2-3 पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। पावर ऑफ रीडिंग, वाई वी नीड टू रीड। रीडिंग, हम बोलते हैं ना, रीडर्स आर द लीडर्स। तो रीडर्स आर द लीडर्स, सो यू आर द लीडर्स, सो यू आर गोइंग टू बिकम लीडर्स। लाइव प्रोजेक्ट, नाउ इफ यू आर डूइंग सम कोर्स लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, एनी अदर कोर्सेज, नॉट 11th 12th, लेकिन अगर आप ऐसे कोर्सेज में आ चुके जो कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड हैं, टेक्निकल ओरिएंटेड हैं, सॉफ्ट स्किल्स ओरिएंटेड हैं, एट दैट टाइम इट इज़ बेटर टू गो एंड आस्क फॉर सम लाइव प्रोजेक्ट फ्रॉम द कंपनीज हु आर इन द टॉप। उनसे बात करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, दिस इज़ ऑल रिटन इन 2-3 पेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक ऐसी चीज़ पे पता नहीं कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं, तो मैंने सिर्फ इसका छोटा सा हिस्सा इस बुक में कवर करने की कोशिश करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नेटिकेट्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ, नेटिकेट्स होता क्या है, ये सब इस बुक में लिखा हुआ है। नेटिकेट होता है कि आज आप नेट जिस तरह से यूज़ करते हैं, ईमेल किस तरह से लिखते हैं लोगों को, कैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, दिस ऑल कम्स इन नेटिकेट। एक आइडिया देता हूँ कि कैसे इस चीज़ को समझना है, कि 3 चीज़ें दुनिया में अगर निकल जाती है ना तो वापस नहीं आती। एक, मुंह से निकले हुए शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, और तीसरा सेंड बटन। अगर आपने कोई मेल, व्हाट्सएप या कुछ भी सेंड दबा दिया ना, अगर डिलीट फॉर एवरीवन है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखोगे सेंड, नेटिकेट का नॉर्मली है अबाउट ईमेल्स, अगर वहाँ पे आपने सेंड बटन दबा दिया ना, वापस नहीं आ सकते। तो बिफोर यू सेंड, थिंक व्हाट यू आर राइटिंग, नेटिकेट्स। एंड देन अबाउट नेटवर्किंग, एक सेमिनार होते हैं कई बार दुनिया के अंदर, बोलते हैं कि नेटवर्किंग इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। नो, नेटवर्किंग इज़ लाइफ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नेटवर्किंग इज़ लाइफ। तो ये 10 चैप्टर इस छोटी सी बुक में, 10 चैप्टर मैंने 50 पेज में कवर करे हैं सिर्फ आपके लिए। हर स्टूडेंट तक ये बुक पहुँचाइए आप। अगर आपको पसंद आती है तो नीचे लिंक लिखा हुआ है amazon.in का भी, amazon.com का भी। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो इंडिया की साइट से मंगा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बेस्ट पार्ट होता है किंडल, आप किंडल पे उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दैट इज़ गोइंग टू बी रीजनेबल ऑल्सो एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आई थिंक पब्लिशर ने इसकी जो प्राइस रखी है दैट इज़ 155 रुपीज़, एंड द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज़ इट इज़ डिलीवरी इज़ टोटली फ्री एंटायर इंडिया। इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है आपके लिए। दिस हैज़ बीन प्रॉमिस टू मी बाय द पब्लिशर कि इसके अंदर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। द बेसिक पर्पज, अगेन आई एम टेलिंग यू, द पर्पज ऑफ दिस बुक इज़ बिकॉज आई हैव टू हेल्प माई स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हेल्प के लिए है ये। सिर्फ एक पर्पज़ है कि आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करते चले जाओ कि आगे आप दूसरों को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सको। ऑलराइट, सो विद दैट होप कि आपको ये बुक अगर अच्छी लग रही है समझने में, देखने में, इसके अंदर मेरे बारे में यहाँ ना लिख के, ये देखो, टेक अ स्टेप अहेड, नेवर एक्टिव टू प्रोएक्टिव बाय नितिन गोयल, और यहाँ मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे बारे में जो लिखना है, अगर मेरे बारे में बहुत जानने की इच्छा है तो आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, ये तो मार्केट में आप देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, चेक करो अगर आपको बुक पसंद आती है। बट 155 रुपीज़, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी अमाउंट बिकॉज दैट इज़ वेरी रीजनेबल अमाउंट। ओनली थिंग इज़ कि अगर आप ये बुक को खरीद के आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आई कैन प्रोमिस यू आफ्टर 10 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक यू विल हैव अ चेंज लाइफ। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ माइन in the publishing industry. Thank you so much. Keep blessing me. Keep giving me a good wishes. Thanks a lot. Take care. Bye-bye.